हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिया क्लासेस। इस वीडियो में मैं लेसन 8 के क्वेश्चन नंबर 13, चार वीडियो आ चुके हैं इस लेसन का, उसमें मैं लेसन 12 तक करवा चुका हूं और सारे फॉर्मूला भी करवा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि दो मुंह खुले, एक लंबवृत्ताकार लोहे के पाइप के मुंह का बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर। तो हम लोग जल्दी से एक पाइप बना लेते हैं। तो देखो ये हम लोग पाइप बना रहे हैं इस तरह से हम लोग। तो इस पाइप का क्या बोला, दो व्यास बोला है, एक अंदरूनी एक बाहरी व्यास। तो हम लोग मतलब कि एक बाहर से हम लोग इस तरह से लाइन, तो ये एक व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास है 30 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे 30। और एक व्यास दिया है क्या, अंदरूनी व्यास है, ये देखो कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं 26 सेंटीमीटर। और देखो क्या दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ, तो कहाँ से कहाँ तक लंबाई, ये लाइन से ये पाइप लंबाई है कितना दिया हुआ, देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 14.7 मीटर, देखो मीटर में दिया हुआ 14.7 मीटर। फिर आप मैं ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले होता है किलो, उसके बाद होता है हेक्टो, किलो हेक्टा, के बाद आता है डेका, फिर आता है मीटर, के बाद आता है डेसी, उसके बाद आता है सेंटी, उसके बाद आता है मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला का फायदा क्या है, इस तरह से याद रख लोगे, किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब अगर ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो हम लोग करेंगे गुना, एक घर रहेगा तो 10 से गुना, अगर दो घर नीचे आएंगे 100 से गुना, मतलब 2 जीरो बढ़ेगा, अगर तीन घर जाएंगे तो 3 जीरो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब 1000 से गुना। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों का क्वेश्चन में, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर देखो कहाँ है, यहाँ पे सेंटी है ना, ये सेंटी है। अब यहाँ सेंटी से हम लोग अगर जाएंगे डेसी, तो देखो सेंटी से डेसी देखो कितना घर है, डेसी देखो यहाँ पर है, तो सेंटी से डेसी मतलब क्या हो रहा है, एक घर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हाँ, और एक चीज है कि नीचे से जब ऊपर जाओगे तरह से, तो हम लोग करेंगे इसको भाग, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग करेंगे गुना, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो करेंगे भाग। एक घर रहेगा तो हम लोग 10 से भाग, दो घर रहेगा तो 100 से भाग, तीन घर रहेगा तो 1000 से भाग, ये रूल्स है। अब देखो यहाँ जैसे सेंटी है, यहाँ सेंटी है और यहाँ पे डेसी है, ये सेंटी डेसी, एक घर है तो हम लोग जैसे 30 है, तो इसको हम लोग कितना से भाग करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे 10 से भाग, क्योंकि हम लोग सेंटी से डेसी जा रहे हैं, ठीक है, सेंटी से डेसी मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाओगे तो भाग करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो गुना करोगे। तो ये फॉर्मूला है, याद करके रखोगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला को, तो आप लोग याद करके रखोगे। तो देखो पहले क्या दिया है, वेद का बाहरी व्यास, तो वेद का हम लोग बाहरी व्यास लिख लेते, कितना दिया है, तो बाहरी व्यास दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास दिया तो हम लोग क्या निकालेंगे, अधव्यास, तो अधव्यास हम लोग निकाल लेते हैं, अधव्यास बाहरी अधव्यास को हम लोग मान लेते हैं R2, ठीक है। तो अधव्यास निकालने का फॉर्मूला क्या है, 30 को हम लोग कितना से भाग करेंगे, 2 से, 30 बटा 2 कितना आएगा, 30 को अगर 2 से भाग देंगे तो 30 से 2 से 30 काट दो, 1 5 15 में कट गया, ठीक है, तो ये आया कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आया। तो हम लोग को सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम लोग डेसीमीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग, अभी मैं बताया था, तो ये 15 को हम लोग 10 से 15 बटा 10 लिख देते हैं, ठीक है, तो 15 को 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा 1.5, ये डेसीमीटर, डेसीमीटर मतलब डी। इसी तरह हम लोग निकालेंगे आंतरिक अधव्यास, आंतरिक व्यास कितना दिया, देखो आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ये देखो 26 सेंटीमीटर, 26 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 26 सेंटीमीटर, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। तो आंतरिक अधव्यास निकालना है, तो हम लोग 26 by 2 का कितना आएगा, 2 से अगर 26 को काटोगे कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में, ठीक है, 13 × 26, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग डेसीमीटर में बदल देंगे तो आएगा 13/10, तो वो 1.3 dm। अब देखो पाइप की लंबाई देखो क्या दिया हुआ है, 14.7 मीटर है ना, ये वाला 14.7 मीटर दिया हुआ है, तो अब हम लोग उसको भी हम लोग डेसीमीटर में बदल लेंगे। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, 14.7 को हम लोग क्या करें, मीटर से हम लोग डेसीमीटर जा रहे हैं, तो हम लोग गुना करेंगे 10 से, तो कितना आएगा, 14.7 को अगर 10 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 147 डेसीमीटर। अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार फिर से डायग्राम में आ जाओ, देखो डायग्राम में क्या बोला है, पहले मैथ्स में देखो क्या बोला, दो मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार लोहे के पाइप है, लोहा का पाइप है और इसका मुंह खुला हुआ, मतलब यहाँ पर भी ढक्कन नहीं है, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी ढक्कन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग को कलर करना, अलकतरा का प्रलेप करने कितना खर्च होगा, तो हम लोग प्रलेप कहाँ करेंगे, ये इसके ऊपरी भाग में करेंगे और कहाँ करेंगे, इसके अंदरूनी भाग में करेंगे, ये दो जगह हम लोग करेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। तो ऐसे समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π, इससे पहले मैं अगले सारे वीडियो में मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, 2πr² + 2πr². तो इसमें देखो क्या है, मतलब कि एक अंदरूनी हिस्सा हो रहा है, अंदर अंदर का एक समग्र तल हो रहा है और एक बाहर से, मतलब ये बाहर में भी एक समग्र तल हो रहा है, तो हम लोग इसे r1 r2 मान लिए ना, r बाहर फॉर्मूला जब बढ़ाएंगे 2πr² + 2πr², तो एक अंदर का हो गया, इसी तरह एक बाहर का भी होगा, 2πr + 2πr² 2πr², एक बाहर का भी समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम r1 बोल दें अंदर का है, तो बाहर का हम लोग क्या बोलेंगे, r2 r2, ठीक है। तो अब ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग मिक्स करके इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 2πr1 + r2h + 2πr1 - r2², ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, देखो 2π 2π दोनों जगह मिल रहा है, उसको हम लोग बाहर ले लेते कॉमन, फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेकंड ब्रैकेट में r1 + r2 इसको लिख लेते हैं, प्लस देंगे, फिर ये वाला लिख लेते हैं, ये जो है ना r1² - r2². अब देखो क्या करेंगे, एक
एक फॉर्मूला याद कर रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2π लिख लेते हैं, यहाँ कॉमन बाहर जो लिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2π, यहाँ सेकंड ब्रैकेट देंगे और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, तो यहाँ क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस देंगे, यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2, यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2, मतलब ये फॉर्मूला दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी माइनस बी। इसी तरह देखो यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है, तो हम लोग लिख दिया यहाँ पे R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। ठीक है, देखो यहाँ पर H है, ये H दो यहाँ छूट गया, यहाँ पे इसके साथ देखो H लिख दो, यहाँ H, यहाँ पर भी होगा H। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, 2π जो है 2π लिख दिए। अब देखो यहाँ R1 प्लस R2, यहाँ पर भी देखो एक R1 प्लस R2, ये दोनों जो मिल रहा है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं R1 प्लस R2। तो अंदर क्या बच रहा है देखो H प्लस H, यहाँ R1 प्लस R2 ले लिए तो क्या बचा H बचा, प्लस क्या बच रहा है देखो यहाँ पर R1 माइनस R2 है, लिख लेते हैं R1 माइनस R2। अब हम लोग मान बैठाएंगे ये R2, तो ये 2 का 2 लिख दिए इनटू 5 का वैल्यू कितना होता है 22/7, R1 का वैल्यू कितना है 1.5, देखो कहाँ से आया, अच्छा ये R2 का वैल्यू है 1.5, R1 का वैल्यू कितना है देखो 1.3, तो ये बैठा दी 1.5 प्लस 1.3। फिर H का मान देखो कितना है, यहाँ देखो H का मान आया ना 147 decimeter, 147 decimeter है, तो H की जगह हम लोग बढ़ा देंगे 147 प्लस R1 का मान कितना है 1.5 माइनस देंगे R2 का वैल्यू कितना 1.3, अब गुने 22/7 गुने 1.5 में 1.3 जोड़ोगे ना आएगा 2.8। ये पहले यहाँ पे 1.5 से 1.3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 1.5 से अगर 1.3 माइनस करोगे तो आएगा 5 में से 3 गया 2. यहाँ पे होगा 0, ठीक है, और यहाँ पे अगर 147 जोड़े हो तो आएगा कितना 2.74 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना में लिख देंगे तब 4.2 से, अब ये 7 से हम लोग 2.8 को काट देते हैं, ठीक है, कितना आएगा 0.28 होता है ना, वो काटोगे 0.4 आएगा। तो ये जो बच रहा है इसको हम लोग अगले लाइन पे लिख लेते हैं, 2 × 22 × 0.4 × 147.2, इस सबको हम लोग गुना कर देंगे, 22 × कितना हो रहा है 44, इसमें इसका पॉइंट को देखो गुना करने का तरीका बता दे रहे हैं, पॉइंट में किस तरह से गुना करोगे, जैसे 147.2 है ना, 2 का भी हम लोग भूल जाते हैं, अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 4 × 8 = 28 के 8 आदमी बचे 2 × 4 = 16 4 में 1 × 4 = 5, तो इसमें 44 का भी गुना कर देते हैं हम लोग। चलो आप लोग जल्दी से इसको 5 सेकंड में गुना करो, तब तक मैं 5 सेकंड आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग गुना करो, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कितना आएगा इसको, जब 44 से 5 × 8 को गुना करोगे तो आएगा कितना। तो आएगा ये 2709 5 2, देखो गुना आप लोग मिला लो अपने से। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, 0.2 है 0.4, मतलब 2 दशमलव है ना पीछे से, 2 के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, ये हो जाएगा गुना। तो इसको 44 × 58.8 लिखोगे, तो गुना करोगे तो आएगा 2590.72 वर्ग डेसीमीटर। तो लास्ट में मेरा कितना है, इतना आया ना, तुम्हें बोला क्या वर्ग डेसीमीटर में कितना खर्चा कितना लगता है पलेपन करने में, देखो क्या बोला 2.25 रुपया प्रति वर्ग डेसीमीटर लगता है, तो हम लोग उसको जो इतना आंसर आया ना उसको हम लोग गुना कर लेंगे, जितना लास्ट पर आया लास्ट में आया उसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे प्रति अलकत्ता पलेप करने में खर्च, तो ये 2590 है 0.72 है, इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे 2590.72 2590.72 इसको हम लोग 2.25 रुपए से गुना कर देंगे, ठीक है, ये आप लोग गुना करो, ये अगर गुना करोगे आएगा 5829.12 रुपया, ठीक है, ये आप लोग गुना करना जिस तरह से मैं अभी ये गुना बताया हूँ, ये दशमलव वाला जो गुना मैं बताया हूँ उस तरह से करना गुना, ठीक है, तो ये होगी आप लोगों का इतना रुपया खर्चा होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आगे का मैथ्स बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा।